अगर आप भी गूगल मैप से अपने एड्रेस की लोकेशन को परमानेंटली या फिर टेम्परेली डिलीट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? सो गाइस, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि किस तरीके से हम अपने गूगल मैप से अपनी जो भी लोकेशन है उसको डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस, होता है क्या कि हमारा जो भी बिजनेस है, क्लिनिक है, रेस्टोरेंट है, या फिर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो और उसे गूगल मैप पर एड करते हो, लेकिन बाद में होता है क्या कि या तो हम अपने बिजनेस को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देते हैं या फिर उसे बंद कर देते हैं, लेकिन दोस्तों गूगल मैप पर वही लोकेशन शो होती रहती है। तो आप अगर गूगल मैप से उसकी लोकेशन को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो या फिर हटाना चाहते हो उस एड्रेस को, तो कैसे हटा सकते हो? सो गाइस, उसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। तो फिर हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ गए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लोकेशन को अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर मैप वाले एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो, उसके बाद सबसे पहले तो आपको इसमें साइन अप कर लेना है जीमेल अकाउंट से। अगर आपने साइन अप नहीं किया तो आप किसी भी लोकेशन को डिलीट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने जीमेल अकाउंट से इसमें लॉग इन कर लेना है। जैसे आप लॉग इन कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप जहाँ पर बैठे हो उसके आसपास की लोकेशन को अगर डिलीट करना चाहते हो तो आपको अपनी लोकेशन को यहाँ पर सर्च कर लेना है और देख लेना है कि आप किस लोकेशन को यहाँ से डिलीट करना चाहते हो या फिर आप अदर किसी प्लेस को डिलीट करना चाहते हो गूगल मैप से। तो सिंपली उस प्लेस को यहाँ पर सर्च कर लेना जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं जहाँ पर बैठा हूँ उसी प्लेस को यहाँ पर डिलीट करके बताऊँगा कि किस तरीके से जो आप गूगल मैप से किसी भी लोकेशन को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि चाहे पे किराना स्टोर है, इसकी लोकेशन को मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इस शॉप को जो है दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लिया है। तो सिंपली आपको इसको यहाँ पर क्लिक करके मार्क कर देना। जैसे आप यहाँ पर मार्क करते हो तो यहाँ पर आपको रेड कलर का जो है मार्क शो हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको क्या करना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपके शॉप का जो भी नेम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो सिंपली आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर स्लाइड कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सजेस्ट एंड एडिट का, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, चेंज नेम और अदर्स डिटेल। तो अगर आप किसी प्रकार का नेम, मोबाइल नंबर या फिर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो एड्रेस में, तो यहाँ पर आप चेंज नेम और अदर डिटेल पर क्लिक करके कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप मैप से लोकेशन को डिलीट करना चाहते हो परमानेंटली, तो यहाँ पर आपको क्लोज और रिमूव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्यों गूगल मैप से जो है लोकेशन को डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आप किसी भी रीजन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो टेम्प्रेरी क्लोज वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि कुछ समय के लिए मेरी जो शॉप है वो बंद रहेगी। तो यहाँ पर मैं जैसे रीजन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना होता है। आप जिस प्लेस की लोकेशन को डिलीट करना चाहते हो उसके फ्रंट का जो फोटो है शॉप का, उसको यहाँ पर अपलोड करना होता है। अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हो या फिर आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फिर आप देख सकते हो कि जैसे आप यहाँ पर सबमिट कर देते हो, उसके बाद दोस्तों आपकी जो भी लोकेशन है वो गूगल मैप से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपको 24 आवर्स तक वेट करना है। अभी आप देख सकते हो कि अंडर रिव्यू है, तो यहाँ पर अगर आपका जो रिव्यू है वो सही पाया जाता है तो आप जिस किसी लोकेशन को गूगल मैप से हटाना चाहते हो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप गूगल मैप से किसी भी प्लेस की लोकेशन या फिर एड्रेस को डिलीट कर सकते हो।